पहली सहरी है 2024 के पहले रोज़ा रखने जा रहे हैं। 1445 हिजरी का भी आपको बता देता हूँ, तो पहली रमज़ान स्टार्ट हो गई है और हम उठ चुके हैं। सहरी जो है हमारी बेगम जी बना रही हैं, और अभी जो है सबको उठा दिया गया है, और हमारी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक और पहली सहरी मुबारक। अब देखते हैं कि हमारी बेगम क्या बना रही हैं, क्या दे रही हैं आज हमें सहरी में। उठते के साथ जो है अभी जो है कॉर्नफ्लेक्स में देखे जा डाले जा रहे हैं, जो कि हेल्प हो रही है मम्मा की, और अभी नया भी डाल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सनसन यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। हमारी तरफ से आप सबको पहली सहरी मुबारक। और जी यहाँ सहरी की तैयारी हो रही है, ये आटा गूंदा जा रहा है पराठों के लिए। बच्चे उठ गए हैं, फ्रेश हो गए हैं माशाल्लाह, क्योंकि बच्चों को आज पेपर से छुट्टी है, तो बच्चे कह रहे हैं कि हम आज पहला रोज़ा तो रखेंगे। मैंने कहा चले ठीक है रख ले, बिस्मिल्लाह कर ले। और अदील साहब भी फ्रेश हैं, तो अदील साहब आज मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैंने कहा अदील साहब आज पहली सहरी में मेरी हेल्प कर दें, वीडियो आप रिकॉर्ड कर लें। और ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में। अहमद साहब भी फ्रेश फ्रेश माशाल्लाह उठ गए। यहाँ पे जो है एग बन रहे हैं। एग कौन से बने हैं? खाकीन अंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम ये लोग? प्याज वाला अंडा प्याज वाला बोलते अंडा हैं। बन रहा है, और ये नेबर से आया था जो गर्म कर रहे हैं। अभी साग है ना, ये जो नादिया साहब का बहुत फेवरेट है। और बच्चों के लिए चाय बन रही है, और बच्चों में चाय बन रही है, और ये पराठा का तवा ये रेडी जो हो गया प्याज है। वाला अंडा झटपट बनता है, ये आप वाकई में वो सहरी जबरदस्त में बनता है। जबरदस्त आप और सहरी में ये जो बना है ना, सकते हैं। ये जो तवा है ना, ये रेडी हो गया है पराठों के लिए। और मैं पराठे हमेशा ही ताजे आटे के बनाती हूँ, बिल्कुल आटा गूंदते ही रेस्ट भी नहीं करवाती, मैं उसी ताजे ही आटे से बना लेती हूँ फौरन। अच्छा जी यहाँ प्याज वाला जो अंडा है उसमें सिर्फ प्याज जो है ना मेन चीज़ होती है। प्याज जो है ना हमने ब्राउन नहीं करने हैं ना लाल करने हैं, इसी तरह ही थोड़ा सा फ्राई करना है, उसके बाद जी हमने अंडे तोड़ के डाल देने हैं। अभी एक मिनट थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ कर लूँ। अच्छा जी ये देखिए ना इसको हमने लाल किया है ना ब्राउन किया, ठीक है हल्का सा फ्राई किया, इसको आँच को थोड़ा सा धीमा कर देंगे। अब हम इसमें अंडे तोड़ के डाल देंगे, ठीक है जी। ये देखिए बहुत ही झटपट बनता है और बच्चों का फेवरेट, आप सब भी सहरी में बना सकते। इसमें नमक ऐड करूंगी साथ ही, ये देखिए हसबे जायका नमक, ठीक है। और इसमें जाएगा ज़ीरा, ठीक है ज़ीरा मसाला पिसा हुआ, ये लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें वो नहीं है तेज नहीं है, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, ठीक है जी। और ये आ गई काली मिर्च पिसी हुई, ठीक है बस इतनी सी चीज़ें हम ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से धीमी आंच पे ये इस तरह से बनेगा अंडा। अब जो है ना हरा धनिया भी हम निकालेंगे, इसके लिए बारीक बारीक काटेंगे। अब हम जो है ना आंच जो है ना थोड़ी सी तेज़ कर देंगे ताकि अंडा हमारा बन जाए, ठीक है जी। ये देखिए जी अब ये हमारा झटपट जो है ना प्याज वाला अंडा बन रहा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कसूरी मेथी डालूंगी थोड़ी सी, ये देखिए जी कसूरी मेथी आ गई है थोड़ी सी, ठीक है। हरा धनिया भी इसके ऊपर बारीक सा काटेंगे, कसूरी मेथी और हरा धनिया हमने डाल दिया है प्याज वाले अंडे पे। क्या खुशबू आ रही है, और अंडे की बाकी ही खुशबू से भूख लग रही है बच्चों को अदील को, ठीक है। ये रेडी हो गया बच्चों के लिए और अदील के लिए, और बच्चों के लिए चाय भी रेडी हो गई है। चले जी झटपट हमारा अंडा रेडी हो गया, अब झटपट पराठे रेडी करते हैं। और यहाँ चाय बन रही है, चाय में थोड़ा सा दूध ऐड कर लूँ। चलिए यहाँ हो रहे पराठे रेडी। ये है मोहम्मद की रोटी साथी। यहाँ ससुराल जा रहा है। हाँ कहते हैं जी कहते हैं, मैं भी कर लूँ ठीक।
अहमद पहले ही बैठ गए, कहाँ भूख लगे इनको, है ना ना? उठिए शहरी की टाइम हाँ। यहाँ प्लेटें लगी जा रही हैं। मम्मा आपका वो आपकी बड़ी प्लेट ना लगा रही है यहाँ। वामिना ने अच्छे से चेक किया। नया कप्स रख रही है, यहाँ रोटी बन रही है। अच्छा जी, ये रोटी जो है ना, ये बगैर घी वाली मेरी और अदील की बन रही है। मैं साग के साथ बगैर ऑयल वाली खाऊंगी और अदील साग अंडों के साथ खाएंगे। और यहाँ चाय पक रही है अभी। आप भेज रखे ये मोहम्मद जी काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये सरसों का साग और ये रोटी घर की बगैर ऑयल वाली रेडी हो चुकी है और हम सहरी के लिए बैठ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, खाना खा लिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब अपने अपने बर्तन लेके जा रहे हैं। ले जाओ बेटा, जाके किचन में रखो। खा लिया? चलो, यहाँ ज़ैनब सफाई करने लगी है। देखिए ये किचन का हशर है, अभी बस किचन को समेटते। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, रमजान मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, रमजान मुबारक, चांद मुबारक, पहली सहरी मुबारक। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए किचन पूरा समेट लिया है, बर्तन भी धुल गए हैं, सारा सिमट गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, इसकी तस्बीह करो बैठ के 100 दफ़ा। शाबाश, चलो। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सुन सुन यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, दोपहर हो चुकी है और मैं उठी हूँ सुबह 10 बजे से। सुबह 10 बजे मैंने उठ के अपना वर्कआउट किया है, जो कि जैसे कि मेरा रेगुलर होता है, और फिर अभी मुँह धो के जोहर पढ़ने लगी हूँ। और बस उठ के थोड़ा सा 10 बजे उठी हूँ तो वर्कआउट करके थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक बनाया है, छीला है बैठ के जो है उसको, ताकि वो एक बार बना के पेस्ट रख दूँ। और बस अभी फ्री हुई हूँ तो जोहर हो गई है, अब जोहर अदा करेंगे, मिलते हैं कुछ देर में। अस्सलाम वालेकुम, इनको अभी उठाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जैनब। अस्सलाम वालेकुम जैनब, उठो बेटा, उठो, जोहर हो गई, उठो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, फिर ट्यूशन भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम आशा। ये देखिए जी, सहरी करने के बाद जो ये सोई हैं नमाज पढ़ने के बाद, अब उठ रही हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह
यहाँ पे लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैंने बना लिया है, अब इसको फ्रीजर करूंगी। हाँ जो है ना, दलिये के लिए मैंने मटन जो है ना गला लिया है, अब मैं इसमें और दलिया डालूंगी, सूप बनेगा ये मटन का। ये मटन मैंने निकाल लिया है और ये मटन की सारी यखनी है, इसमें मैंने सिर्फ काली मिर्च पिसी हुई डाली है, इसमें पिसा हुआ जीरा है और इसमें दालचीनी है कड़ी, बस ये ओट्स डाल दिए। ओट्स मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। यहाँ आयशा जो है ना फ्रूट धो रही है, ये सारे फ्रूट इसी में रख के वॉश करो, इसी में रख के सारे। मैंने इधर पानी डाल लिया है रूह अफ़ज़ा के लिए, रूह अफ़ज़ा में चीनी ऐड करके नमक जाएगा इसमें, और इसमें अगर आप नूडल्स ऐड करना चाहते हैं तो नूडल्स भी ऐड कर सकते हैं इस दलिये में सूप में, लेकिन मैं सिंपल सादा बनाऊंगी। अब इसमें मैं जैसे हम हलीम की जो है ना बोटियाँ तोड़ के डालते हैं, वैसे ही हम इसकी अंदर मटन की ये बोटियाँ तोड़ के डाल देंगे, ये भी साथ साथ पकता रहेगा। ये सारा मटन हम सूप में डाल देंगे दलिये में, थोड़ा सा मैं ये सलसा भी डालूंगी टमाटर पेस्ट इसमें। यहाँ पे जो है रोबज़ा बन रहा है और ये बना रही है हमारी इनाया बीबी। यहाँ मैं माश की दाल मैंने रात से भिगोई भी थी, तो अब मैं दही भले इसके बनाने लगी, इसको ग्राइंड करूंगी पहले। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। मैं ऑफिस से आ गया हूँ, 4:30 इस टाइम नमाज वमाज सब हो गई है, और अब देखते हैं कि ये लोग क्या बना रहे हैं। तो हूँ कि क्या अपडेट चल रही है और कहाँ तक मेन्यू पहुँचा और क्या बन गया और क्या नहीं बना है। तो ये नादे कहाँ छुपी हुई भैया? मैं दही भले बना रही हूँ और सूप चढ़ गया है, सूप की रेसिपी बता दी है। बता दी रेसिपी? अच्छा जी, और ये क्या हो रहा है? माश की दाल के दही भले। वाह 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 वाह। नाया जो है खजूर तो रही हूं, जो है खजूरें मैंने रेडी कर दी है, साथ में लगाई है मराई गिश्ता। मैं दिखा देते हैं कौन सी है, ये वाली है फ्रेश क्रीम, ठीक है, जो 3.5 से 4 रियल की मिलती है, मेरे ख्याल 4.5 की मिलती है। तेल गरम होना स्टार्ट हो गया क्योंकि अफ्तारी सॉरी मगरिब की नमाज बहुत करीब आ गई है। तो यहाँ पे जो है ये क्या है नाजिया? ये माश की दाल के वो है दही भले। ओके चले, हाँ दही बना रही हूँ, दही भलों की मीठी चीनी डाल दी है। अब थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे क्योंकि अगर दही आपके पास मीठी बच जाए तो कॉर्नफ्लोर की वजह से इसमें स्मूथी बहुत अच्छी आती है और ख़राब भी नहीं होती, आप फ्रिज में सेफ रख सकते हैं। थोड़ा सा बस कॉर्नफ्लोर डालना है। अब इसको अधीर सा मिक्स करेंगे, फेंटेंगे दही को। बन गए, ये देखिए एक्स्ट्रा बची थी ना उसकी मैं बना रही हूँ पापड़ी, ये लेके नमकीन दही बड़े बने हैं अदील साहब के लिए स्पेशल। अदील साहब को नमकीन खाने थे और ठीक है जी, इस पे आएगा प्याज हल्का सा, इमली की चटनी चली गई। आपको दही भले वाला चाट मसाला नहीं चाहिए, फ्रूट चाट मसाला चाहिए, ये ले भाई। हर चीज़ अलग डिफरेंट है इनकी, इनकी हर चीज़ अलग बनती है, ये देखिए अपने 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 सियापे हैं इनके, ये देखिए अपने जो है ना टेस्ट, लोग कहेंगे मिर्चे नहीं खाते ये खाते हैं चाट मसाला, ठीक है। अब इसके ऊपर और क्या डालना है आपको? पापड़ी, 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 ये देखिए कितनी मज़े की बनी हुई है, गवार पट्टी की ज़बरदस्त पापड़ी, ये देखिए बन रहे हैं समोसे, वो भी डीप फ्राई में और लो हीट पे बन रहे हैं ताकि जले नहीं बिल्कुल, और उसका रिजल्ट ये आया है क्रिस्पी बने। الله أكبر الله أكبر الله
اشهد ان لا اله الا الله لمن حمده अल्हम्दुलिल्लाह खैर खुशी के साथ खैर के साथ जो है पहला रोज़ा अफ्तार हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को हम सब के रोज़ों को अल्लाह ताला कबूल अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान की परेशानियां दूर अता फ़रमाए आमीन। इसी के साथ ही ब्लॉग करेंगे यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।